Hello everyone, good evening. Welcome to Let's Crack GATE and ESC with Unacademy, India's largest learning platform. एक बार ऑडियो वीडियो का चेक कर लेते हैं, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स पे. तो टुडे वी विल स्टडी आई थिंक माई वॉइस इज ऑडिबल एंड क्लियर. So we'll start with today's session and आज का जो session है वो है आपका cross drainage works पे जो आपका irrigation के अंदर आता है. irrigation engineering के अंदर बहुत ही important topic है. इससे बहुत सी बार gate में भी question पूछे जाते हैं और आपके जो छोटी मोटी exams होती है AEJEE की exams होती है उसमें भी इसके questions पूछे जाते हैं. ESC में भी objective में इसके question पूछे जाते हैं. So we will study that. Good evening Noor. Yes. चलिए so we will discuss about today the agenda of this class is cross drainage. okay, हम यहाँ पे कुछ सवाल भी देख लेंगे ताकि आपको cross drainage works के पूरे फंडे क्लियर हो जाए, है ना. अब देखिए, सबसे पहले जो इस चैनल में नए हैं उनके लिए, my name is Bhavisha Thakkar. I have done my masters from National Institute of Technology Warangal. I have got selected for the post of assistant professor in the National Project Implementation Unit. I also got selected for an MNC जो ये water की थी. And I have qualified GATE multiple times और AE और JEE के exams भी qualify किए. ये मैंने join किए थे लेकिन छोड़ दिया. उसके बाद I did my masters and when I passed out I joined the GATE Academy Private Limited और वहाँ मैंने पढ़ाया. and after that I was doing freelancing in various institutes. so I have mentored thousands of students for GATE and ESC in past 3 years. मेरे पास 3+ years का teaching. So this was about me and also you have to install this Unacademy Learning App. आपको Unacademy Learning App install कर लेना चाहिए. आप Play Store या Google Play में जाके इसको App Store या Google Play में जाके आप इसको install कर सकते हैं. अगर आपने इसको install कर लिया तो आपको special classes जो है वो free में मिलेगी. तो ये आपकी special classes होती है या आपकी free classes होती है. और इस month में after 10 I will also take 20 special classes for you. ठीक है, तो इस मंथ में मैं भी आपकी और 20 स्पेशल क्लासेस लूँगी. तो अगर कोई भी बच्चों को कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो, है ना, जो सब्जेक्ट्स मैं लेती हूँ उससे रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं, वो मैं स्पेशल क्लास में कंडक्ट कर लूँगी. तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स के वीडियो जो लेक्चर्स हैं वो फ्री में मिल जाएंगे. तो बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल होता है. अगर आपको फुल कोर्स चाहिए इन अ डिटेल्ड मैनर, अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. यहाँ पे जो प्लस सब्सक्रिप्शन है ये 1 महीने 3 महीने 6 महीने 12 महीने और 24 मंथ्स के लिए अवेलेबल होता है. यूजुअली अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना सही रहता है ना, ताकि आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी मिल जाए और प्रॉपर एक टाइम स्पैन हो आपको प्रिपेयर करने का. अंडर 200 रैंक के लिए कितने मार्क्स स्कोर करना होता है, स्पिलवेज करा दीजिए प्लीज़. PKM स्पिलवेज ठीक है, स्पेशल क्लासेस में मैं ले लूँगी. ठीक है, PKM स्पेशल क्लासेस में आई विल ट्राई टू टेक स्पिलवेज. ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क मैंने इसलिए लिया क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. ठीक है, और आप संदीपान विश्वास आप बोल रहे हैं कि गेट में किस में 200 रैंक के लिए कितने मार्क्स स्कोर करना होता है, गेट में ना. गेट में आपको 200 डिपेंड करता है, मतलब हर साल तो कुछ कुछ वेरी कर जाता है, बट आप ये मान के चलिए कि अगर आपको 200 के अंदर रैंक चाहिए तो 80 प्लस स्कोर करना पड़ेगा आपको. आजकल कट ऑफ बहुत, मतलब आजकल हाईएस्ट मार्क्स बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं, है ना, 90 अबव जाने लगा है. तो आप ये मान के चलिए 75 से 80 के बीच में आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे. गेट में आपको 75 से 80 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे अंडर 200 रैंक के. ठीक है, चलिए तो 80 प्लस मान के चलिए तभी आपके इस रेंज में आएंगे. मतलब आपको टारगेट करना पड़ेगा 90 प्लस, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें पढ़नी है. ओके, सो देखिए आपको टाइम भी ज़रूरी है. अगर आप बहुत लेट ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना. जुलाई आ ही गया है, आप ये मान के चलिए कि आपका जो फेब फर्स्ट वीक में आपका गेट होगा, सिविल का फर्स्ट वीक में होता है. थैंक यू सो मच PKM. चलिए ठीक है, है ना. तो अब देखो ये आपका फेब फर्स्ट वीक में गेट एग्जामिनेशन होता है. अगर आप चाह रहे हैं कि सीरियस आपकी प्रिपरेशन हो, क्योंकि आपको पता है कि ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप कोई अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑप्ट करते हैं अनअकैडमी के लेवल का, तो वहाँ पे 90K के अराउंड उनकी फ़ीस है. प्लस अगर आपका घर दिल्ली में नहीं है
या आप कहीं और बाहर है, अगर आपका कोचिंग जो है, तो आपको फूड का और एकोमोडेशन का कॉस्ट जो है वो लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आप ये मान के चल सकते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए तो आपके इसी में चले जाएंगे। तो आपको उसके कंपैरिजन में ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है, और आपको वही लेवल के फैकल्टीज़ यहाँ पे भी अवेलेबल होंगे। तो ये जो है आपको 25,000 में मिलता है। अगर आपने मेरा कोड यूज़ कर लिया BT Live, तो ये आपको मिल जाएगा 22,500 रुपीज़ में। सिमिलरली अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 30,000 में, अगर आप मेरा कोड यूज़ कर लेते हैं। ये अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं BT Live, तो ये आपको 27,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। गुड इवनिंग अजंक्या। सो दिस इज़ द सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है ना। तो अगर आप 6 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं, 6 मंथ का कॉस्ट है 20,000। इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10%, और आपको ये मिल जाएगा 18,000 रुपीज़। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, तो मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड कर लूँगी, एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ क्रैकिंग द एग्ज़ाम, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगी। Okay, so if you are taking the plus subscription, you will get daily live classes, your learning will be very structured, you will be having a doubt sessions, hai na? After every 3 or 4 classes, aapke plus mein doubt sessions hote hain. Also, if you have missed any class online, then you can watch those classes offline, and there will be test series also included. So, aapko test series ke liye separately pay nahi karna hai, jo aapne subscription liya hai, usi mein wo jo test series hai, wo included rahegi. तो जो भी मटेरियल आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम को पढ़ने के लिए चाहिए, वो सारा कुछ अवेलेबल होगा आपको। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में। ये क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन आप, ठीक है? सो वी विल सी दैट। तो आप लोग को आइडिया है क्या क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है? कभी आपने सुना है या कभी आपने देखा है क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स को? किसी बच्चे ने कभी देखा है क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स को? देखो, ये जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स है, ये किसी भी कैनाल सिस्टम में अनअवॉइडेबल होते हैं। ये आपको प्रोवाइड ही करना पड़ता है, ठीक है? ये आपको प्रोवाइड ही करना पड़ता है। होता क्या है बेसिकली, कि जैसे सपोज कोई रिवर बह रहा है, ठीक है, ये आपका रिवर है, छोटा बनाया है मैंने रिवर, ऑब्वियसली रिवर बह रहा है। अब आप क्या करोगे कि अगर आपको कैनाल निकालनी है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप कैनाल निकाल रहे हो, ये रिवर बह रहा है, यहाँ से आपने कैनाल निकाली, तो दिस इज़ योर रिवर, और यहाँ से आपने कैनाल निकाली। तो जब आपका कैनाल निकलेगा ना, तो क्या होगा कि कैनाल जाएगा बहुत लंबा तक जाएगा, जब तक आपको इरिगेशन प्रोवाइड करना है, जहाँ तक वहाँ तक आप कैनाल लेके जाओगे, या कैनाल की जितनी भी लेंथ होगी। तो जब आपका कैनाल पास हो रहा होगा, तो ये बहुत सारी नेचुरल ड्रेन्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स इसको क्रॉस करेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको इस कैनाल का सप्लाई को इंटरप्ट जब नहीं करना होगा, तो आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, जिसको आप बोलते हो क्रॉस ड्रेनेज, ताकि कैनाल में जो सप्लाई है वो होता रहे विदाउट इंटरप्टिंग, मतलब ड्रेन जो है वो इसका फ्लो को इंटरप्ट ना करे। तो उस टाइप के स्ट्रक्चर्स को बोलते हो आप क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। आप ये बोल सकते हो कि मैम, अगर हमने कैनाल को वाटरशेड लाइन, जो वाटरशेड लाइन क्या होती है, रिज लाइन है ना, कैचमेंट की लाइन पे अगर अलाइन कर दिया, तो भी माय डियर कुछ दूर तक तो कैनाल को जाना ही पड़ेगा, फिर वो इसके अलॉन्ग आप अलाइन कर सकते हो कैनाल को, तब भी कुछ दूर तक आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। इस केस में आपको मिनिमम प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बट फिर भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सो ये अगर आपका वाटरशेड लाइन है, वाटरशेड लाइन, तो इसमें जो ड्रेन होता है ना माय डियर, वो बेसिकली ड्रेन मतलब रिवर, स्ट्रीम, कोई भी, मतलब नाला जो बहता रहता है ना, छोटी छोटी स्ट्रीम्स बहती रहती है, रिवर्स भी हो सकते हैं, तो वो होता है आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ताकि आपका जो दोनों का जो फ्लो है वो इंटरप्ट ना हो और आसानी से निकले, ठीक है? ये यही बात हो गई कि जैसे नीचे से जब नदी जाते रहती है, और आपको ऊपर से ब्रिज बना के, अगर आपको रोड्स बनाने हैं या रेलवे ब्रिज बनाना है, व्हीकल क्रॉस करानी है, तब आप क्या करते हो, नीचे नदी बहती रहती है, आप ऊपर में ब्रिज बना देते हो। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि कैनाल का वाटर जाता रहेगा ऊपर से, नीचे आपकी नेचुरल रिवर और ड्रेन बहती रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि ड्रेन आपका नीचे ही हो सकता है कैनाल भी नीचे हो। तो वही हम देखेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, ठीक है? सो गुड इवनिंग सत्या। देखिए, मैं आपको फिर से समझाती हूँ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या होता है। ये एक मिनट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड फॉर कैरिंग अ कैनाल अक्रॉस अ नेचुरल ड्रेन और रिवर, इंटरसेप्टिंग द कैनाल सो एज टू डिस्पोज द ड्रेनेज वाटर विदाउट इंटरप्टिंग द कंटिन्यूस कैनाल सप्लाई, ठीक है? क्या होगा, जब भी आप कैनाल बनाओगे तो वो कोई ना कोई ड्रेन या नेचुरल स्ट्रीम या रिवर को क्रॉस करेगा। तो आप उसके लिए क्या करोगे, वहाँ पे आप क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स बनाओगे, ताकि जो कैनाल का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस होता रहे, वो आप उसको इंटरप्ट ना करे।
ठीक है, तो ये होता है आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ये बहुत ज़्यादा अनअवॉइडेबल होते हैं, आपको प्रोवाइड करने ही पड़ते हैं। मैंने आपको बताया बेस्ट पॉसिबल केस कि अगर आप कैनाल को वाटरशेड लाइन, अलॉन्ग द वाटरशेड लाइन या अलॉन्ग द रिज लाइन अगर आप अलाइन करते हो, देखो अगर आप उसको अलाइन करते हो, अजंक्य आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। तब भी आपको क्या होगा, जब आपका कैनाल जो है अगर आपने वाटरशेड लाइन या इसमें अगर आपने अलाइन किया तो आपका कम क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बट फिर भी इसमें भी आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। तो माय डियर देखो, रिवर से निकालोगे कैनाल, फिर थोड़े दूर जाके आप उसको वाटरशेड लाइंस के अलोंग इसको अलाइन करोगे, उसके उसके मतलब आप उसके अलाइनमेंट में उसको अलाइन कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं रखना है आपको, ठीक है अजन? क्या आप उसके अलाइनमेंट में उसको अलाइन करोगे, यू विल नॉट कीप इट अबव दैट, है ना? उस समय ऊपर रहेगा बट उसका अलाइनमेंट तो रहेगा ना, कुछ कुछ स्लोप पे रहेगा, वो भी कुछ अलाइनमेंट रहेगा, तो आप उसके अलोंग कैनाल बनाओगे, वहां से पानी ले जाके आप कर सकते हो। यहाँ पे आप रिवर पे भी अगर आपको कैनाल निकालना है तो पानी का लेवल आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी आप कैनाल वहां से ले जा सकते हो। तभी तो आप क्या करते हो, वियर और बराजेस बनाते हो, जिसको आप बोलते हो डाइवर्जन हेडवर्क्स, है ना? तो आप क्या करते हो, यहाँ पे ऐसे ही नहीं चला जाएगा रिवर से पानी कैनाल में डाइवर्ट अपने आप नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? कैनाल हेडवर्क्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लेवल बढ़ाओगे वैसे भी, और उसके अलोंग आपको अलाइन करना है, उसके ऊपर नहीं बनाना है, ठीक है? तो हो भजन के आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। तो देखो ये किसी भी सिचुएशन में अनअवॉइडेबल होते हैं, ये आपको बनाने ही पड़ते हैं, और मिनिमम कब होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। सो वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, वी विल स्टडी दैट टुडे। तो देखिए ये जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता है ये डिपेंड करता है किस पे किस पे, है ना? सो द टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क विल डिपेंड ऑन आप साथ में नोट्स बना लीजिएगा तो आपका ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा आज, है ना? एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पूरा ये खत्म हो जाएगा आज। अगर गेट में क्वेश्चन आया या ईएससी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो ये आपसे बन जाएगा, ठीक है? विल डिपेंड ऑन द रिलेटिव बेड लेवल ऑफ कैनाल एंड नेचुरल ड्रेन also it will depend upon the relative so it will depend upon the water level of canal and natural drain also it will depend upon the relative discharge of canal and natural drain. तो इन फैक्टर्स में ये जो है ये आपका डिपेंड करता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ठीक है? सो क्रॉस ड्रेनेज वर्क विल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव बेड लेवल ऑफ कैनाल एंड नेचुरल ड्रेन, वाटर लेवल ऑफ द कैनाल एंड नेचुरल ड्रेन, रिलेटिव डिस्चार्ज ऑफ द कैनाल एंड नेचुरल ड्रेन। अगर ये भी सवाल में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए किस पे डिपेंड होता है, ये अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो बेसिकली आपको जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है वो चार ही तरीके से पूछा जाता है, चार टाइप से ही पूछा जाता है, उनकी सब कैटेगरी है, बट मैं आपको पूरे बता दूंगी जितने हैं। एक लेवल क्रॉसिंग, इनलेट और आउटलेट भी होता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन आपको क्वेश्चन जो आता है मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऑफ द टाइम जो है वो आपका एक्वीडक्ट, साइफन एक्वीडक्ट, सुपर पैसेज और आपका आता है साइफन से, ठीक है? तो यही से क्वेश्चन आते हैं। अभी अगर मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगी एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। आपको दो तीन चीजें बस इसमें ध्यान रखनी है, आप आराम से जब अभी मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन करने के बाद जब आपको क्वेश्चन दूंगी तो आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? सो वी विल सी। सो द टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क विल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव बेड लेवल, वाटर लेवल ऑफ कैनाल एंड नेचुरल ड्रेन, रिलेटिव डिस्चार्ज ऑफ कैनाल एंड नेचुरल ड्रेन। तो सबसे पहला जो होता है कैटेगरी वो होता है कैनाल ओवर द नेचुरल ड्रेन,
ठीक है, सबसे पहला जो आप कैटेगरी करोगे वो क्या होगा आपका, जो होगा आपका वो होगा क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स कैरिंग द कैनाल ओवर द नेचुरल ड्रेन। मतलब आपका जो कैनाल है वो ऊपर जाएगा, नेचुरल ड्रेन नीचे रहेगा, है ना। इसका मतलब यही है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स कैरिंग द कैनाल ओवर द नेचुरल ड्रेन। तो अब देखिए आपको कौन कौन सी चीजें इसमें ध्यान रखनी है। इसमें पहला होता है आपका एक्वेडक्ट और दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है, पहला होता है आपका एक्वीडक्ट और दूसरा होता है आपका साइफन एक्वीडक्ट। अब ये ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। सो व्हाट यू डू, सो यू आर डिवाइडिंग द क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव बेड लेवल, उनका वाटर लेवल कितना है और उनका डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, वो कितना डिस्चार्ज कैरी कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस आर द फैक्टर्स जिस पे वो डिपेंड करता है। अब हम वेरियस टाइप्स के क्रॉस ड्रेनेज वर्क देखेंगे। तो जो पहला टाइप होता है वो होता है आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स कैरिंग द कैनाल ओवर द नेचुरल ड्रेन। मतलब आपका जो कैनाल है वो ऊपर जाएगा और नेचुरल ड्रेन जो है वो आपकी नीचे बहती रहेगी। तो इसमें पहला केस होता है आपका एक्वीडक्ट। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको टर्म्स बताऊंगी वो आपको ध्यान रखने, ठीक है। तो देखो जिस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले बेड लेवल पे। अब पहला जो केस है आपका एक्वेडक्ट, पहला जो केस है आपका एक्वेडक्ट, इसमें क्या होगा माय डियर, समझिएगा। पहला जो केस है वो है आपका एक्वेडक्ट। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो नेचुरल ड्रेन है वो नीचे बह रही है और कैनाल जो है वो ऊपर है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, अगर देखो मैं इसको बनाना चाहूँ, तो ये सपोज आपका पियर है, यहाँ पे आपके पियर बने हुए हैं, ठीक है। सो सपोज दिस इज योर नेचुरल ड्रेन, तो ये आपका नेचुरल ड्रेन, ठीक है। तो ये जो नेचुरल ड्रेन का जो सबसे ऊपर वाला लेवल होगा उसको आप बोलोगे हाईएस्ट फ्लड लेवल। मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, जब आपका फ्लड आ रहा है, जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही, तो हाईएस्ट फ्लड लेवल वो आप निकालोगे। और फिर यहाँ पे सपोज आपका मतलब कैनाल जो है वो ऊपर है और नीचे क्या है आपका नेचुरल ड्रेन, तो कैनाल बेड जो है ये ऊपर होता है आपका। सपोज दिस इज योर कैनाल बेड, तो सपोज दिस इज योर कैनाल, तो ये आपका कैनाल होगा। और कैनाल में क्या होता है माय डियर, कैनाल में होता है आपका, जैसे सपोज यहाँ तक कैनाल है, सो कैनाल विल बी, कैनाल का जो वाटर लेवल होगा इसको आप बोलोगे फुल सप्लाई लेवल। सो दिस विल बी कॉल्ड एज योर फुल सप्लाई लेवल। और जो ड्रेन का होगा उसको आप बोलोगे हाईएस्ट फ्लड लेवल। तो दिस इज योर फुल सप्लाई लेवल, दिस इज योर हाईएस्ट फ्लड लेवल। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि सवाल जब आएगा तो आपसे हाईएस्ट फ्लड लेवल और फुल सप्लाई लेवल ही मेंशन किया होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उस समय क्या बात कर रहा है। तो दिस इज योर ड्रेन, नेचुरल ड्रेन। सो जब आपका कैनाल नेचुरल ड्रेन से ऊपर जाता है, ध्यान रखना ये एक्वीडक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो कैनाल क्या होगा ऊपर होगा नेचुरल ड्रेन से। मतलब जो कैनाल का बेड लेवल है वो ऊपर होगा ड्रेन के बेड लेवल से। ऑल्सो द हाइएस्ट फ्लड लेवल और कैनाल के बेड में सफिशियंट हेडवे अवेलेबल होगा। मतलब कैनाल का बेड और हाइएस्ट फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन पे जब सफिशियंट डिस्टेंस होगा, तब आप जो जिस टाइप का क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करोगे उसको आप बोलते हो एक्वीडक्ट। मैंने एक बार आपको इरिगेशन में पढ़ाया था, एप्लीकेशंस में जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन बताया था, तब उसमें एक्वीडक्ट बनाया था। ये कुछ नहीं होता है, जैसे आप नदी में ब्रिज बना देते हो ना, नदी के ऊपर ब्रिज बना देते हो, ब्रिज से क्या, ब्रिज में क्या चलता है, गाड़ियाँ चलती है। सिमिलरली क्या करते हो, नदी के ऊपर आप ब्रिज बनाते हो और उसमें कैनाल बना देते हो जो पानी लेके जाता है, वही होता है आपका एक्वीडक्ट, ठीक है। एंड दिस इज वेरी सुटेबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जब आपका कैनाल का जो बेड है, कब ये सुटेबल होता है, जब कैनाल बेड के लेवल, कैनाल बेड का लेवल और हाईएस्ट फ्लड लेवल में सफिशियंट हेडवे अवेलेबल होगा, तभी ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पॉसिबल होगा। आया समझ में? सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, जिसमें आपका कैनाल जो है वो ऊपर बह रहा है और ड्रेन जो है वो नीचे चल रहा है आपका, और इन दोनों के बीच में, कैनाल के बेड लेवल में और ड्रेन के हाईएस्ट फ्लड लेवल में सफिशियंट हेडवे अवेलेबल है, तो ये होता है आपका एक्वीडक्ट। ये सिमिलरली वैसे ही होता है जैसे आपने नदी के ऊपर एक ब्रिज बना दिया और वहां से गाड़ियां जा रही है। तो होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज योर एक्वीडक्ट। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज योर साइफन एक्वीडक्ट, साइफन एक्वीडक्ट। सो सेकेंड टाइप इज योर साइफन एक्वीडक्ट। देखो अब साइफन एक्वीडक्ट में क्या होगा, साइफन वर्ड आ गया, मतलब प्रेशर में फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में भी आपका कैनाल ऊपर होगा,
नेचुरल ड्रेन जो है वो नीचे रहेगा, दैट इज फॉर श्योर, है ना। यहाँ पे आपका कैनाल ऊपर रहेगा, कैनाल बेड जो है ये ऊपर है आपका, सो दिस इज योर कैनाल बेड। द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेम्बर हियर इज ये आपका कैनाल बेड है, सो दिस इज योर कैनाल बेड एंड दिस इज योर ड्रेन ड्रेन बेड। तो दिस इज योर कैनाल बेड और ये आपका ड्रेन बेड है। कैनाल का जो पानी का लेवल होगा इसको आप बोलोगे, देखो ये फुल सप्लाई लेवल होता है। अब इस केस में क्या होगा माय डियर, साइफन एक्वीडक्ट कब होगा? पहले वाले केस में, एक्वीडक्ट के केस में जो आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल था और कैनाल के बीच में सफिशियंट गैप था, सफिशियंट हेडवे था, तब आप एक्वीडक्ट प्रोवाइड करोगे। जब आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल, व्हेन योर हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन, व्हेन योर हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन इज अबव द चैनल बेड, जब आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन इज अबव द कैनाल बेड, देखो कैनाल बेड से ऊपर हो गया आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल, तो तब आप क्या करोगे, साइफन एक्वीडक्ट प्रोवाइड करोगे। और इस केस में आप क्या करते हो, ये जो बेड होता है ना, ड्रेनेज का बेड, नेचुरल ड्रेन का बेड होता है, इसको आप खोद के थोड़ा और नीचे कर देते हो ताकि फ्लो जो है वो ठीक से हो पाए, और इसमें जो फ्लो रहता है वो प्रेशराइज्ड फ्लो रहता है, इसीलिए आप इसको बोलते हो साइफन एक्वीडक्ट। तो हमेशा याद रखना, जब आपका कैनाल का जो ड्रेन का हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो कैनाल के बेड से ऊपर होगा, तब आप साइफन एक्वीडक्ट प्रोवाइड करोगे। जब सफिशियंट हेडवे अवेलेबल होगा तब आप एक्वीडक्ट प्रोवाइड करोगे। एक्वीडक्ट और साइफन एक्वीडक्ट में क्या डिफरेंस है कि कैनाल इसमें ऊपर है और ड्रेन इसमें नीचे है, कैनाल ऊपर बहेगा, ड्रेन नीचे जाएगा। अब दूसरा टाइप का जब हम देखेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क, उसमें क्या होता है, आपका ड्रेनेज ऊपर होता है और कैनाल नीचे होता है। इसमें माय डियर गेट 2020 में आपका एक क्वेश्चन आया था फ्रॉम दिस क्रॉस ड्रेनेज वर्क, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले पूरे टाइप के क्रॉस ड्रेनेज वर्क हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ, कोई भी थ्योरी नहीं लिखवा रही हूँ, जो आपके काम का है, जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वही वाला पॉइंट में डिस्कस कर रही हूँ। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर में, सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा ये वाला, सो दिस वॉज योर फर्स्ट, लेट मी राइट इट डाउन, फर्स्ट लिखा हुआ है मैंने, ऐसे वाला फर्स्ट लिख दी हूँ तो ये अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट। नाउ सेकेंड, सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, सो इट विल बी योर क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स कैरिंग, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स कैरिंग द नेचुरल ड्रेन ओवर कैनाल, natural drain over the canal। इसमें क्या होता है, first होता है आपका सुपर पैसेज और second होता है आपका साइफन, सिर्फ इसमें होता है साइफन, जैसे उसमें साइफन एक्वीडक्ट था इसमें होता है आपका साइफन, और इसको आप कैनाल साइफन भी बोल, इसको आप कैनाल साइफन भी बोल और कैनाल साइफन। देखो जैसे हमने पहले वाले केस में क्या हो रहा था, कैनाल आपका ऊपर जा रहा था, नेचुरल ड्रेन आपका नीचे था, है ना। जैसे फर्स्ट वाला केस आपने एक्वीडक्ट देखा, कैनाल ऊपर जा रहा था, ड्रेन आपका नीचे जा रहा था, इसमें क्या होगा, ड्रेन ऊपर जाएगा, कैनाल नीचे जाएगा, लेकिन जो कैनाल का फुल सप्लाई लेवल है और जो ड्रेन का बेड है उसमें सफिशियंट हेडवे अवेलेबल होगा, तब वो हो जाएगा आपका सुपर पैसेज। जब अवेलेबल नहीं होगा, मतलब जब आपका फुल सप्लाई लेवल ऑफ द कैनाल ड्रेन बेड के ऊपर होगा, तब हो जाएगा आपका साइफन। ये सिमिलरली पूरा उल्टा होता है, जैसा हमने पहला वाला पढ़ा उसका ये पूरा पूरा अपोजिट होता है। तो देख लेते हैं क्या होता है, सुपर पैसेज देखते हैं। तो फर्स्ट इज योर सुपर पैसेज, सुपर पैसेज, तो वी आर अंडरस्टैंडिंग इट विद द पॉइंट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आपसे हर हर टाइप के क्वेश्चन बन जाए। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका ड्रेन है वो ऊपर बहेगा, ठीक है। इस केस में आपका क्या होता है कि जो ड्रेन है वो ऊपर बहेगा और जो कैनाल का बेड है वो नीचे होगा, सो योर ड्रेन विल बी गोइंग, सो ये आपका कैनाल का बेड होगा, दिस इज योर कैनाल बेड, यहाँ पे आपका कैनाल बेड होगा। कैनाल में हम क्या सब बोलते हैं, फुल सप्लाई लेवल, ठीक है। ड्रेन के केस में हम बोलते हैं हाईएस्ट फ्लड लेवल, कैनाल के केस में हम बोलेंगे फुल सप्लाई लेवल। और यहाँ पे सपोज आपकी ड्रेन बह रही है, तो यहाँ पे आपकी ड्रेन होगी, नेचुरल ड्रेन, दिस इज योर नेचुरल ड्रेन, इसका आपका यहाँ पे हो जाएगा हाईएस्ट फ्लड,
दिस इज योर हाइएस्ट फ्लड लेवल. तो देखो जब आपका फुल सप्लाई लेवल और इसके बेड पे, जब आपके फुल सप्लाई लेवल और इसके बेड पे सफिशियंट हेडवे अवेलेबल होगा, तब आप बोलते हो उसको सुपर पैसेज. ठीक है, सो व्हेन सफिशियंट हेडवे इज अवेलेबल फ्रॉम द बेड ऑफ द नेचुरल ड्रेन टू द फुल सप्लाई लेवल ऑफ द कैनाल, देन इट इज कॉल्ड एज योर सुपर पैसेज. बस इसमें क्या होता है कि आपकी ड्रेन जो है वो ऊपर बहती है और आपका जो कैनाल है वो नीचे बहता है. जैसे इस केस में क्या करते थे आप, जो ये वाला केस होता था ना, यहाँ पे आप इंस्पेक्शन रोड भी प्रोवाइड करते हो, यहाँ पे आप इंस्पेक्शन रोड भी प्रोवाइड करते हो, जबकि इस केस में ऐसा नहीं कर पाते हो. ठीक है, ड्रेन वाले केस में आप नहीं कर पाते हो. सो दिस इज योर सुपर पैसेज. अब इसका साइफन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा. क्या होगा इसमें सेम उसका साइफन एक्वीडक्ट का उल्टा, कि ड्रेन ऊपर बहेगी और आपका कैनाल नीचे बहेगा. बट इस केस में क्या होगा कि आपका जो कैनाल है इसमें भी आप कैनाल बेड को थोड़ा नीचे ले जाते हो. ठीक है, कैनाल बेड को थोड़ा नीचे ले जाते हो और इस केस में आपका क्या होगा कि जो आपका फुल सप्लाई लेवल है कैनाल का वो नेचुरल ड्रेन के ब्रेड से ऊपर होगा. तब आप उसको बोल दोगे साइफन. ठीक है, तब आप उसको बोल दोगे साइफन. मतलब बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊंगी तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा. मैं अच्छे से और बता देती हूँ कि ड्रेन कैसे बनाऊंगा, नेचुरल ड्रेन जो है वो कैसे होगी. मतलब ड्रेन जो है वो बह रही होगी, सपोज ऐसे पूरे लेवल पे बह रही होगी. ठीक है, सो देयर विल बी ड्रेन्स लाइक दिस, नेचुरल ड्रेन्स बह रही होगी और इसका ये होगा आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल. तो यहाँ पे सफिशियंट, ये नेचुरल ड्रेन का बेड है, यहाँ पे आपका सफिशियंट हेडवे अवेलेबल होगा, तभी आप क्या बोलोगे उसको सुपर पैसेज. सो व्हेन योर ड्रेन इज अबव द कैनाल तब आप उसको बोलोगे सुपर पैसेज, और सफिशियंट हेडवे अवेलेबल होगा तब आप बोल दोगे उसको सुपर पैसेज. यहाँ पे कैनाल के लिए पियर्स लगे रहते हैं, है ना, पियर्स लगे रहते हैं और फिर आप यहाँ पे ड्रेन्स बना सकते. ठीक है, तो ये नेचुरल ड्रेन है. या तो आप ऐसे भी बता दो, सिंपली बता दो, मतलब मैं डायग्राम, मतलब आपको मतलब समझ में आ रहा है ना, डायग्राम पे मत जाना, मतलब समझ पे आ रहा है ना कि ड्रेन ऊपर रहेगी और कैनाल जो है वो आपका नीचे रहेगा. ठीक है, और आपका जो ड्रेन का बेड है और कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल है उसमें सफिशियंट हेडवे अवेलेबल होगा, तो आप बोलोगे सुपर पैसेज. सिमिलरली अगर अगर आप बात करो इसकी साइफन की, अगर आप बात करो साइफन की, तो उस केस में क्या होगा आपका, और इस केस में आप कैनाल के बेड लेवल को नीचे नहीं लेके जाते हो, है ना. नेक्स्ट वाले केस में आप कैनाल के बेड लेवल को भी नीचे लेके जाओगे. ये हर जगह पाया जाता है अजंक्या, आपने देखा भी होगा कहीं छोटी छोटी स्ट्रीम्स जाते रहती है. अगर जहाँ से भी अगर आपने देखा होगा कैनाल जाते हैं ना, कैनाल गुजरते हैं, वहाँ से ये स्ट्रक्चर बने ही होंगे. और देखो अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे कि मैम कौन सा टाइप का सुटेबल होता है, तो वो बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आपका वाटर टेबल लेवल कहाँ पे है, डी वाटरिंग आप कहाँ से कर सकते हो, है ना, स्ट्रक्चर का कैचमेंट एरिया कैसा है, स्लोप कैसा है. एक्चुअली सबसे सुटेबल तो एक्वीडक्ट ही होता है, सबसे सुटेबल होता है एक्वीडक्ट, लेकिन वो डिपेंड करता है, डिस्चार्ज पे भी डिपेंड करता है. जब आपका हाई कैरिंग डिस्चार्ज, हाई डिस्चार्ज कैरी करता रहता है कैनाल भी और नेचुरल ड्रेन भी, तब आप बेसिकली ये वाले प्रेफर करते हो, मतलब एक्वीडक्ट और ये सब. कभी कभी आप क्या करते हो, इंटरमिंगल भी होने देते हो, उसको आप बोलते हो लेवल क्रॉसिंग. तो डिपेंड करता है कि कैसी स्ट्रक्चर है. आपने बहुत सी बार देखा होगा, मतलब प्रैक्टिकली होता है ये, है ना, आप अगर जाओगे कैनाल से कभी कभी आप तो देख पाओगे, जहाँ कैनाल इरिगेशन के लिए कैनाल प्रोवाइड किया रहता है वहां पे आप देख सकते हो. ठीक है, जहां से भी आपको रिवर से कैनाल निकालना पड़ेगा वहां पे आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे. ठीक है अजन, क्या देखो अब साइफन जो होता है ये सेम इसका उल्टा हो जाएगा. इस केस में आप क्या करोगे कि सपोज ये आपका ड्रेनेज का बेड है, ये आपका ड्रेनेज का बेड है, यहाँ पे आपका कैनाल का बेड है, तो आप क्या करते हो कैनाल के बेड को नीचे कर देते हो और यहाँ पे भी आप थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड करके कैनाल के बेड को नीचे कर देते हो. जैसे उस केस में आप ड्रेन के बेड को नीचे कर रहे थे, इस केस में आप कैनाल के बेड को नीचे करोगे और यहाँ पे आपका ड्रेन का फुल सप्लाई लेवल है, ये आपका ड्रेन बह रहा है, ये ड्रेन का आपका फुल सप्लाई लेवल है. ड्रेन का फुल सप्लाई लेवल नहीं होगा, हाईएस्ट फ्लड लेवल होगा, और कैनाल का क्या होगा, फुल सप्लाई लेवल. तो कैनाल आपका नीचे बह रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल, ऊपर में आपका ड्रेन है और यहाँ पे क्या होगा, जो कैनाल का जो पानी का लेवल होगा, जो कैनाल का पानी का लेवल होगा वो ड्रेन के बेड से ऊपर होगा. सो फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल विल बी अबव द ड्रेन बेड. सो सपोज दिस इज योर ड्रेन बेड,
दिस इज योर ड्रेन बेड, और ये क्या होगा आपका जो फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल विल बी ग्रेटर देन द ड्रेन बेड लेवल, तो उसको आप क्या बोल देते हो, साइफन, राइट। तो अगर मैं इसको सिंपली बनाना चाहूँ तो यहाँ पे आपका ड्रेन जो है ये आपका ऊपर रहता है, देखो ड्रेन ऊपर बहता है, ड्रेन ऊपर बहेगा और यहाँ पे आपका कैनाल जाएगा, कैनाल बह रहा होगा, और ये जो कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल होगा वो ड्रेन बेड के ऊपर होगा, तब आपका क्या हो जाएगा, वो साइफन कहलाएगा। ड्रेन ऊपर बह रही है, कैनाल नीचे जा रहा है, और इसका जो कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल है वो ड्रेन के बेड के ऊपर है। अगर आपका इस केस में क्या था, इस केस में भी आपका ड्रेन जो है वो ऊपर बह रही थी, ड्रेन वॉज फ्लोइंग अबव, लेकिन कैनाल का जो कैनाल नीचे बह रहा था, लेकिन कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल है वो यहीं तक था, और इस केस में क्या हो रहा था, आपके पास सफिशियंट हेडवे अवेलेबल था, तब आप सुपर पैसेज प्रोवाइड करोगे। अगर उल्टा हो जाए, कैनाल ऊपर बहे, ड्रेन नीचे बहे, तो एक्वीडक्ट होगा वो, ठीक है। सो सिमिलरली दिस आर द वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिकली। अब इसके बाद एक और टाइप का क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो हमने दो देखे, ये दूसरा था कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैरिंग द नेचुरल ड्रेन ओवर द कैनाल। अब क्या करोगे, आप दोनों को मिलने दोगे, तो ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि नेचुरल ड्रेन का लेवल और कैनाल का लेवल सेम लेवल पे आके मिल रहा हो, तो उस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरमिंगल होने देना पड़ेगा। सो इसमें होता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क एडमिटिंग द ड्रेन वाटर, तो आपका थर्ड केस जो होगा वो होगा आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क, क्रॉस ड्रेनेज वर्क admitting the canal water, admitting the drain water into canal. ठीक है, इसमें भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका लेवल क्रॉसिंग, एक होता है आपका लेवल क्रॉसिंग। सो फर्स्ट इज योर लेवल क्रॉसिंग और सेकेंड इज योर इनलेट आउटलेट, इनलेट एंड आउटलेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या होता है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, अभी तक आपने क्या देखा कि आप एक पानी को एक दूसरे से मिलने नहीं दे रहे थे, जो ड्रेन का फ्लो है वो ड्रेन में हो रहा था, जो कैनाल का फ्लो है वो आपका कैनाल में हो रहा था, चाहे आपका किसी केस में कैनाल ऊपर जा रही थी, किसी केस में आपका ड्रेन ऊपर जा रहा था, राइट। बट इस केस में आप क्या कर रहे हो कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स एडमिटिंग द ड्रेन वाटर इनटू द कैनाल, मतलब आप क्या कर रहे हो, जो ड्रेन वाटर है उसको कैनाल में एंटर करने दे रहे हो, तो ऐसा कब होगा, जब आपका सेम लेवल पे कैनाल और ड्रेन जो है वो जब आपका सेम लेवल पे बह रहा होगा तब ये चीजें होगी। अब इसमें क्या होता है, आपका एक होता है लेवल क्रॉसिंग और एक होता है आपका इनलेट आउटलेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लेवल क्रॉसिंग में क्या होता है, जब आपका कैनाल और ड्रेन जो है वो सेम लेवल पे मिल जाता है, मतलब जैसे सपोज, जैसे लेट अस से कि यहाँ पे आपका ड्रेन है और यहाँ पे आपका कैनाल, दिस इज योर ड्रेन एंड दिस इज योर कैनाल, सो दे आर मीटिंग एट द सेम लेवल, दे आर मीटिंग एट द सेम लेवल, तो इस केस में आपको कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेवल क्रॉसिंग। तो सपोज ये आपका ड्रेन है और यहाँ पे आपका कैनाल है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप रेगुलेटर्स लगा देते हो, क्रॉस रेगुलेटर जो पानी के लेवल को कंट्रोल करता है, मतलब शटर करता है, जब आपका ड्राई पीरियड होगा तो वो बंद कर देगा या फुल लेवल पीरियड होगा तो कैनाल में पानी जाने देगा। ये जो आपका ड्रेन है, यहाँ पे अगर आपका जब रेनी सीजन होगा तो बहुत सारा पानी आएगा, आप क्या करोगे, इसको खोल दोगे, है ना, ताकि यहाँ से पूरा पानी चला जाए, ड्रेन का पानी को आप यूज कर सकोगे कैनाल में बहने के। तो यहाँ पे यूजुअली आप दो रेगुलेटर्स लगाते हो और एक वियर या बराज लगा देते हो ताकि उसका क्रेस्ट लेवल हो, तो ये सारी चीजें आप प्रोवाइड करते हो। तो लेवल क्रॉसिंग के केस में आपका जो ड्रेन है वो कैनाल में मिल जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज योर लेवल क्रॉसिंग, सेम लेवल पे मिलता है। अब दूसरा होता है इनलेट आउटलेट स्ट्रक्चर, ये आजकल बहुत ही एब्सोल्यूट हो गया, ये यूज नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज ये आपका कैनाल है, ठीक है, ये आपका कैनाल बह रहा है, यहाँ पे आप क्या करोगे, इनलेट प्रोवाइड करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप इनलेट प्रोवाइड करोगे, मतलब यहाँ पे कैनाल में थोड़ा सा ओपनिंग दे दोगे और यहाँ पे ऐसे ड्रॉप, यहाँ पे पिचिंग कर दोगे। पिचिंग मतलब क्या होता है कि स्टोन्स और ये सब आप ड्रॉप कर देते हो ताकि इरोजन ना हो, जैसे यहाँ पे पानी आए तो इरोजन ना हो। तो यहाँ पे आप सपोज आपका नेचुरल ड्रेन है,
ठीक है, और इसका जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज्यादा कम है, तभी आप ये वाला स्ट्रक्चर प्रोवाइड करोगे। मतलब यहाँ पे जो डिस्चार्ज है, ड्रेन का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज्यादा कम है, तभी आप क्या करोगे, इस नेचुरल ड्रेन को इस कैनाल में जाने दोगे, राइट। और प्लस एक और चीज का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे सिल्ट या सेडिमेंट लोड जो है वो कम होना चाहिए, तभी आप अलाउ करोगे। नहीं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा सेडिमेंट होगा, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा सिल्ट और सेडिमेंट होगा तो वो जैसे ही कैनाल में जाएगा, एक्चुअली इसके लिए थोड़ा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जो हम सिल्ट थ्योरीज पढ़ते हैं, कैनेडीज और लेसीज थ्योरी, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे देखो, अगर आपका यहाँ पे कोई भी रिवर से अगर आपने कैनाल लेके गए हो, तो क्या होगा, रिवर रिवर से जब पानी आएगा तो रिवर में सेडिमेंट पार्टिकल्स होंगे आपके, कोई भी एलुवियल कैनाल हो उसमें सेडिमेंट पार्टिकल्स होंगे, है ना, सेडिमेंट पार्टिकल्स होंगे, सिल्ट पार्टिकल्स होंगे। वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, वो आपके सस्पेंशन में है तो ठीक है, लेकिन अगर आप, वो डिपेंड करता है, वो क्या होगा, धीरे धीरे सेटल होना शुरू करेंगे। अगर आपने सफिशियंट वेलोसिटी नहीं दी तो वो सेटल होना शुरू होंगे, और जब वो सेटल होंगे तो क्या होगा कि कैनाल की डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। सिमिलरली क्या होगा, अगर आपने बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी दे दी तो वो बेड को इरोड करते जाएंगे और उसका जो सेडिमेंट लोड है वो भी बढ़ता जाएगा। तो आप ये नहीं चाहोगे, अगर आपका नेचुरल ड्रेन में सेडिमेंट लोड ज्यादा है तब आप कैनाल में उसको नहीं डालोगे। तो उसी केस में आप ये प्रोवाइड कर सकते हो, जब आपका जो नेचुरल ड्रेन है उसमें बहुत कम डिस्चार्ज है ना, बहुत कम कम पानी बह रहा है उसमें, और क्या हो रहा है, उसका सेडिमेंट लोड भी कम है। यूजुअली क्या होता है, ये जो नेचुरल ड्रेन है इसका जो बेड लेवल होता है वो कैनाल के फुल सप्लाई लेवल से थोड़ा ऊपर होता है या सेम लेवल पे होता है, तभी आप ये अप्लाई करता है, ये आप प्रोवाइड करते हो। फिर क्या होता है कि सपोज अगर आपको पानी नहीं चाहिए ना, तो आप यहाँ से कहीं से आउटलेट प्रोवाइड कर देते, ताकि ये यहाँ से जो एक्सेस वाटर है प्रॉपर एग्जिट देख के आप वहां से पानी निकाल लेते हो। जरूरी नहीं है, अगर आपने एक इनलेट प्रोवाइड किया है तो आपको एक आउटलेट प्रोवाइड करना है, जितना पानी घुसा उतना निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप तीन इनलेट दे दीजिए और एक ही आउटलेट दीजिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि सेम नंबर ऑफ इनलेट आउटलेट प्रोवाइड करना जरूरी है, नहीं, ऐसा कोई कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कैनाल में पानी बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप प्रोवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भी प्रोवाइड कर सकते। सो डिपेंडिंग अपॉन अपॉन द सिचुएशन एंड द एग्जिट अवेलेबल, आप उसके अकॉर्डिंग आउटलेट प्रोवाइड करोगे। हो सकता है आपने दो तीन इनलेट बना रखे होंगे, लेकिन आउटलेट आप एक भी बनाओगे तो भी चलेगा डाउनस्ट्रीम, ठीक है। और जरूरी नहीं है आप आउटलेट बनाओ ही, तो इट शुड नॉट बी कि एक इनलेट बनाया तो एक आउटलेट बनाना जरूरी है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो होप ये समझ में आ रहा होगा। जो इनलेट आउटलेट स्ट्रक्चर है आप तभी बना सकते हो जब आपकी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो। अब आप बोलोगे कि मैम कौन से टाइप का सुटेबल होगा, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर आपका ड्रेन ऊपर जा रहा होगा और कैनाल नीचे जा रहा होगा, सफिशियंट हेडवे अवेलेबल होगा, तो बेस्ट आप क्या करोगे, सुपर पैसेज प्रोवाइड करोगे, है ना, उसमें आपको कोई झंझट ही नहीं है। अगर साइफन और सुपर पैसेज का ऑप्शन है तो आप कौन सा जाओगे, सुपर पैसेज। अगर एक्वीडक्ट और उसका ऑप्शन है, एक्वीडक्ट और साइफन एक्वीडक्ट का ऑप्शन है, तो पहले आप एक्वीडक्ट के लिए जाओगे, क्योंकि साइफन एक्वीडक्ट में क्या होगा, आपको बेड लेवल को नीचे करना पड़ सकता है बहुत सारे केसेस में, है ना। तो इस केस में आप किस में जाओगे, एक्वीडक्ट पे। तो वो डिपेंड करता है, ऑल्सो वो डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि कंडीशंस आइडियल हो साइट पे, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कितना आप लागत लगाना चाहते हो, क्योंकि ये जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है ये कॉस्टली भी होते हैं आपके, है ना। सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट, द डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी किस लेवल पे मिल रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से टाइप का क्रॉस ड्रेनेज वर्क आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो होप ये समझ में आया होगा। देखो मैं एक बार और फिर से समराइज कर देती हूँ। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको ये नॉलेज जरूरी है। अभी मैं आपको जो ये कहानी समझाई मैंने आपको, उसके अलावा मैं अगर इसको समराइज करूँ एकदम सिंपल फॉर्म में, एकदम सिंपल भाषा में, तो जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ ना, तो मैं ये वाला टॉपिक 5 मिनट में बता देती हूँ। अभी मैंने आपको फिर भी बताया, मैं सिर्फ डायग्राम बना के समझा देती हूँ, तो इससे क्या होता है, याद भी रहता है। आप सिर्फ ये डायग्राम बना के ही याद रखिएगा। देखो पहला होता है एक्वीडक्ट, है ना, पहला हमने देखा एक्वीडक्ट। सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, कॉपी में बनाओगे जब भी आपका, आपको बस ये ध्यान रखना है एक्वीडक्ट के केस में क्या होता है, आपका जो कैनाल है वो नेचुरल ड्रेन के ऊपर बहता है ना। और आपको दो चीजें याद रखनी है कि अगर आपका यहाँ पे ड्रेन है, अगर नीचे आपका ड्रेन है तो उसका हाइएस्ट फ्लड लेवल होगा, अगर आपका कैनाल है तो उसका फुल सप्लाई लेवल। तो ये हो गया आपका कैनाल और इसमें होगा आपका फुल सप्लाई लेवल।
अनअकैडमी के लोगों का मतलब क्या है? आप रोमन सर से पूछिए ये बेटा, मेरे को क्या पता क्या है। किसकी रिकॉर्डेड क्लास चाहिए शिवम बेटा आपको? किसकी रिकॉर्डेड क्लास चाहिए आपको? तो जब आपका कैनाल जो है वो ऊपर बह रहा होगा ड्रेन से, या जब आपका कैनाल जो है वो ड्रेन के ऊपर बह रहा होगा और सफिशियंट हेडवे अवेलेबल होगा, उस केस में आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? एक्वीडक्ट। ठीक है, सेकेंड कौन सा मैंने बताया था आपको? साइफन एक्वीडक्ट। तो साइफन एक्वीडक्ट के केस में क्या होगा? साइफन एक्वीडक्ट के केस में क्या होगा? नहीं, रिकॉर्डेड नहीं है शिवम, ये लाइव है और आप इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रहेगी यूट्यूब में हमेशा। देखिए, साइफन एक्वीडक्ट क्या होता है आपका? जब आपका ये ड्रेन बह रहा है, सिंपल सा, ये कैनाल ऊपर बह रहा है और इसका जो ड्रेन का जो फ्लड लेवल है वो कैनाल बेड से ऊपर है। तो हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन इज अबव द कैनल बेड, कैनाल बेड, ये आपका फुल सप्लाई लेवल। ठीक है, अब देखो आपका जो थर्ड टाइप का देखा वो देखा आपने सुपर पैसेज। सुपर पैसेज जो होता है वो क्या होता है, जब आपका इस केस में क्या होता है, सुपर पैसेज के केस में आपका जो ड्रेन है वो ऊपर बहता है, कैनाल नीचे रहता है। सो यहाँ पे आपका कैनाल होता है, तो ये आपका फुल सप्लाई लेवल हो जाएगा। सो दिस इज योर कैनाल और ड्रेन जो है वो आपका ऊपर बहता है। ठीक है, और जब आपका सफिशियंट हेडवे अवेलेबल होगा, ये ड्रेन है, जब आपका सफिशियंट हेडवे अवेलेबल होगा तो सुपर पैसेज होगा और कैनाल जो है वो नीचे बहेगा। सिमिलरली आपका फोर्थ केस है वो हो जाएगा साइफन। डायग्राम पे मत जाना कि ऐसा ही होगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए और याद रखने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका ड्रेन है, तो दिस इज योर ड्रेन और यहाँ पे आपका जो फुल सप्लाई लेवल है वो ड्रेन के बेड से ऊपर होगा। हाँ, एक्वीडक्ट में बेटा ग्रेविटी फ्लो होगा और साइफन में प्रेशर फ्लो होगा। एक्वीडक्ट में ग्रेविटी फ्लो होगा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी गुड शिवम, है ना। ये वाला पॉइंट मैं बताना भूल गई थी। देखो इसमें क्या होगा, आपका ग्रेविटी फ्लो होगा, ऑब्वियस ही बात है कि इसमें ग्रेविटी होगा और इसमें प्रेशर के, इसीलिए आप इसको साइफन बोल रहे हो। ठीक है, इसमें प्रेशर फ्लो होगा और इसमें ग्रेविटी के थ्रू, दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट, वेरी गुड शिवम। सो दिस इज हियर द फ्लो विल हैपन अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। आप लेट आए हो, आप बाद में देख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो दिस इज वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी गुड शिवम, यू हैव एडेड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो एक्वीडक्ट में जो फ्लो है वो अंडर ग्रेविटी होगा, ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे नेचुरल ड्रेन अपना ग्रेविटी से बहता रहेगा और यहाँ पे जो फ्लो है वो प्रेशर में होगा। सिमिलरली इसमें भी आपका जो कैनाल का फ्लो है वो ग्रेविटी में होगा। जब भी साइफन आ गया तो मैंने तो आपको बताया कि प्रेशर के करस्पॉन्डिंग फ्लो होगा। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको तब समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए। चलिए इसमें ऑप्शंस नहीं गिवन है, मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ आपको। देखो इसमें दिया है द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल एट द प्रपोज्ड साइट, आपको डेटा गिवन है। ठीक है, देखो बेड लेवल गिवन है, फुल सप्लाई लेवल और हाईएस्ट फ्लड लेवल गिवन है और डिस्चार्ज गिवन है आपको क्यूमैक में। अब आपको बताना है ये क्या है, क्या ये एक्वेडक्ट है? ठीक है, आपको बताना है ऑप्शन ए क्या ये एक्वीडक्ट है, ऑप्शन बी क्या ये सुपर पैसेज है, क्या ये सुपर पैसेज है, ठीक है, ये एक्वीडक्ट, सुपर पैसेज और क्या है, जितने भी हमने पढ़े है ना, एक्वीडक्ट है, सुपर पैसेज है, साइफन है, साइफन एक्वीडक्ट है या नॉर्मल साइफन है, या नॉर्मल साइफन। तो देखिए देखिए, अगर आप लोग इंटरैक्ट करते हैं लाइव सेशन में तो इट इज गुड, है ना। तो अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं देन ऑल्सो इट इज ऑल गुड, बिकॉज आई ऑलवेज से आस्क मी द क्वेश्चन। तो इससे क्या होगा, अगर आपका आपको इनपुट देना है तो वो भी दे सकते हो। तो लाइव सेशन का मतलब ही ये होता है कि आई ऑलवेज ट्राई कि यू शुड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। अगर आप लाइव में हो तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप नोट्स लेके लिखते जाइए मेरे साथ साथ। देखिए मैं भी लिखती हूँ, ऐसा नहीं है कि पीपीटी में मैंने पॉइंट्स डाल दिए वो मैं पढ़ पढ़ के आपको बता रही हूँ।
ना, मैं ज्यादा डालती नहीं हूँ, मैं चीजें खुद से लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाए। सुनाई तो दे ही रहा होता है, आप लिखते जाते हैं जा सकते हैं, और फिर मैं समझा भी देती हूँ और फिर हम कुछ एप्लीकेशन पार्ट भी देख लेते। तो जो पोर्शन आपको सिखाया जाता है वो आपका यहीं पे कवर हो जाना चाहिए, फिर से घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं। नॉर्मल क्वेश्चंस आए तो आपसे ये बन जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? अजंक्या गॉट द आंसर। हाँ शिवम, डेली क्लासेस होती है, डेली क्लासेस होती है। आज इरिगेशन की क्लास है, कभी कभी कोई और क्लास होती, कल आपकी सॉइल की क्लास होगी। कल आपका सॉइल का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे, फाइन सॉइल्स का बचा हुआ था, कल की क्लास में हम वो करेंगे और क्ले मिनरोलॉजी जो है वो स्टार्ट करेंगे। एवरीवन गॉट द, हाँ इस टाइम पे नहीं होती है, मेरी क्लास यूजुअली 6 बजे होती है, कभी कभी वो शेड्यूल चेंज हो जाता है। टेलीग्राम ग्रुप आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा आपको शेड्यूल। एवरीवन इज गेटिंग द डी आंसर, सो लेट मी सी व्हाट इज द आंसर। योर आंसर इज करेक्ट आई थिंक सो। सबसे पहले देखो, बेड लेवल आपको ड्रेन का गिवन है, तो एक डेटम ले लीजिए, ठीक है, टेक वन डेटम, वहाँ से आप लोगे। तो बेड लेवल देखो, यहाँ से ही आपको दिख रहा है कि बेड लेवल ड्रेन का 252 है, मतलब 252 पे आपका बेड लेवल है। सत्या आपको आंसर मिला क्या? 252.2। फंडा क्लियर का मिल गया, आ गया आंसर। अजंक्या का आ गया, मैथ्यू का आ गया। तो देखिए, ये आपका जो ड्रेन लेवल है, ये आपका ड्रेन है, तो ये ड्रेन आपका ऊपर है, और कैनाल का बेड लेवल कितना है? नीचे है, कैनाल कहीं 248 पे है, तो कैनाल जो है ये आपका 248 पे, सो दिस इज योर कैनाल, ठीक है, ये कैनाल का बेड लेवल है 248। तो देखो, दो चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि ड्रेन ऊपर बह रही है कि कैनाल ऊपर बह रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ड्रेन ऊपर है, कैनाल नीचे है, तो एक्वीडक्ट और साइफन एक्वीडक्ट तो नहीं होगा। अब इन दोनों में से है, इन दोनों को शिवम, इसकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक गिवन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक गिवन है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा सुन लीजिए, देखिए इस केस में क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका ड्रेन का बेड लेवल ऊपर है कि कैनाल का बेड लेवल ऊपर है, मतलब ड्रेन ऊपर बह रहा है कि कैनाल ऊपर बह रहा है। तो ड्रेन ऊपर बह रहा है कैनाल के, तो मतलब एक्वीडक्ट और साइफन एक्वीडक्ट नहीं होगा, या तो सुपर पैसेज होगा या तो साइफन होगा। अब वो हम किससे फाइंड आउट करेंगे? इससे, फुल सप्लाई लेवल और हाई फ्लड लेवल से। तो देखिए, ड्रेन का हाईएस्ट फ्लड लेवल, ड्रेन का हाईएस्ट फ्लड लेवल कितना है? 253, मतलब ये आपका 252.2 है, इसके ऊपर है ना, जो आपका ड्रेन का जो आपका जो फ्लड लेवल है वो 253.2 है, मतलब यहाँ कहीं है आपका ड्रेन का हाईएस्ट फ्लड, और इसका कितना है? 253। ये 252.2 है, इसका फुल सप्लाई लेवल, कैनाल का आपका फुल सप्लाई लेवल जो है वो इसके ऊपर है, ड्रेन के बेड के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका साइफन, है ना। अगर इसके नीचे होता तो क्या हो जाता? सुपर पैसेज। सो एवरीवन हैज गिवन द करेक्ट आंसर, अजंक्या हैज गिवन द करेक्ट आंसर, मैथ्यू हैज गिवन द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये आपका गेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका अभी आया है रिसेंटली, गेट 2020, ये 2020 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। जनरली इस टॉपिक से 1 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो अगर ESC में आ जाता है ऑब्जेक्टिव, तो इसमें आपको 2 मार्क्स का मिल जाता है। अरे ये क्वेश्चन थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, 2 लाइन ऊपर की नहीं दिख रही होगी। स्ट्रक्चर इन विच फ्लो अ नेचुरल स्ट्रीम, यहाँ पे जो आपको नहीं दिख रहा है वो सिर्फ यही है, इन विच फर्स्ट लाइन पे फ्लो अ नेचुरल स्ट्रीम, नेचुरल स्ट्रीम, सिर्फ स्ट्रीम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? सुपर पैसेज इन अ कैनाल क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर इन विच, क्या होगा सुपर पैसेज? क्या होता है? कैनाल वाटर फ्लोज अंडर प्रेशर बिलो अ नेचुरल स्ट्रीम, नेचुरल स्ट्रीम वाटर फ्लोज अंडर प्रेशर बिलो, एंड नेचुरल स्ट्रीम वाटर फ्लोज विथ अ फ्री सरफेस बिलो अ कैनाल, कैनाल वाटर फ्लोज विथ अ फ्री सरफेस बिलो अ नेचुरल स्ट्रीम, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, सुपर पैसेज क्या होता है? सुपर पैसेज के केस में आपका जो ड्रेन है वो ऊपर बहता है और कैनाल जो है वो नीचे बहता है ना। सो क्या हो जाएगा आंसर? अजंक्या इज गिवन द करेक्ट आंसर, सत्या यू आर रॉन्ग। देखिए सत्या क्या बोल रहा है, सुपर पैसेज के केस में क्या होता है? सबसे पहले याद रखिए, सुपर पैसेज के केस में क्या होता है? कैनाल आपका नीचे रहता है, ठीक है, कैनाल आपका नीचे रहता है और ड्रेन आपका ऊपर रहता है। सुपर पैसेज के केस में कैनाल आपका नीचे रहता है, ड्रेन ऊपर रहता है, और कैनाल के फुल सप्लाई लेवल और ड्रेन के बेड में सफिशियंट गैप रहता है। तो कैनाल वाटर फ्लोज विथ
फ्री सरफेस बिलो अ नेचुरल स्ट्रीम. ये नेचुरल स्ट्रीम या ड्रेन, नेचुरल स्ट्रीम या नेचुरल ड्रेन उसके नीचे बहता है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर. सत्य सी नहीं है. नेचुरल स्ट्रीम वाटर फ्लोज विथ फ्री सरफेस बिलो अ कैनाल. कैनाल के नीचे होगा तो वो क्या होगा? अगर नेचुरल स्ट्रीम वाटर नीचे बह रहा है, कैनाल ऊपर है, तो वो एक्वीडक्ट हो जाएगा. ये सुपर पैसेज की बात किया है. ये गेट में क्वेश्चन आया था, अभी आपका रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है एक मार्क्स पे. चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए. ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसमें भी वही है ऑप्शन, एक्वीडक्ट सुपर एक्वीडक्ट. मैं आपको लिख देती हूँ. सबसे पहले लिख देते हैं सुपर पैसेज, ऑप्शन बी एक्वीडक्ट, ऑप्शन सी साइफन एक्वीडक्ट और ऑप्शन डी साइफन. क्या होगा? देखिए इसमें भी आपको दिया हुआ है, फ्लो दिया हुआ है. चलिए फ्लो से कोई मतलब नहीं है, बेड लेवल दिया हुआ है. कैनाल का दिया हुआ है 120 और ड्रेनेज का दिया हुआ है 116. तो यहीं से आपको पता चल गया कि कैनाल ऊपर है, ड्रेन नीचे है, तो सुपर पैसेज और ये तो नहीं होगा, है ना. क्या होगा इसका बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? आंसर इज अजंक्या गॉट द करेक्ट आंसर. वेरी गुड अजंक्या. तो देखिए आपका जो ड्रेन कैनाल का बेड लेवल, सो सपोज दिस इज योर डेटा. ऑलवेज अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो सॉल्व कर लीजिएगा. डेटम से देखो 120 मीटर पे आपका कैनाल है, तो ये जो है ये आपका कैनाल है 120 मीटर पे. फिर क्या है आपका 116 मीटर पे आपका ड्रेन है. देखो यहाँ पे आपका 116 है, तो दिस इज योर 116, है ना. मतलब आपका जो ड्रेनेज का बेड है वो नीचे है, ड्रेनेज का बेड लेवल नीचे है, कैनाल का बेड लेवल ऊपर है. तो आप कैनाल ऊपर बह रहा है, ड्रेनेज नीचे बह रहा है, मतलब सुपर पैसेज और क्या नहीं है आपका? साइफन नहीं है. इन दोनों में से एक है, बी और सी है ना. सुपर पैसेज और साइफन नहीं है आपका, या तो एक्वीडक्ट है या तो आपका साइफन एक्वीडक्ट है. अजंक्य आपने गलत आंसर दिया है, शायद मैंने सही बोल दिया, डी दिया है आपने, गलत दिया है बेटा. कैनाल ऊपर जा रहा है ना, देखो कैनाल ऊपर जा रहा है, ड्रेन नीचे है आपका, ड्रेन नीचे कैनाल ऊपर है, तो क्या होगा? या तो एक्वीडक्ट होगा या तो साइफन एक्वीडक्ट होगा, है ना. और इस केस में क्या है, अब देखो अब डेप्थ ऑफ फ्लो देखना है. कैनाल के केस में डेप्थ ऑफ फ्लो है आपका 0.8 मीटर पे, तो दिस इज योर 120.8 हो जाएगा. दिस इज योर फुल सप्लाई लेवल. और इस केस में कितना है आपका? 10 मीटर. मतलब 116 में अगर आप 10 ऐड करोगे, 116 में अगर आप 10 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 126. तो मतलब ये जो है इसका इसका जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो ऊपर है. सो सी इज द करेक्ट आंसर. सत्या हैज गिवन द करेक्ट आंसर. नाउ अजंक्या यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. चलिए अच्छा, डी पहले वाले का आंसर दिया होगा आपने. सत्या एंड अजंक्या एंड मैथ्यू यू ऑल्सो हैव गिवन द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. तो सी है इसका करेक्ट आंसर, साइफन एक्वीडक्ट. प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में नहीं आया? आपने पूरा लेक्चर नहीं देखा है ना शिवम. अगर आप लेक्चर देखोगे पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना. इसमें क्या हो रहा है कि कैनाल वाटर फ्लो विथ फ्री सरफेस बिलो अ नेचुरल स्ट्रीम. आराम से बह रहा है, फ्री सरफेस से बह रहा है, तो यही होगा ना. डेली क्लास आपकी 6 बजे होती है शिवम, ठीक है. चलिए सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन विच वी डिस्कस. तो मैंने आपको एप्लीकेशन पार्ट भी बता दिया कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. बेसिकली आपके क्वेश्चन जो शुरू के दो क्लासिफिकेशन किए हमने वहीं से आएगा, जब आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क, कैरिंग नेचुरल, कैरिंग कैनाल ओवर द नेचुरल ड्रेन. फर्स्ट उसमें एक्वीडक्ट और साइफन एक्वीडक्ट देखा, सेकंड हमने देखा क्रॉस ड्रेनेज वर्क, कैरिंग नेचुरल ड्रेन ओवर अ कैनाल. उसमें हमने देखा सुपर पैसेज और साइफन, ठीक है. तो यही जो है ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं. बाकी अगर लेवल क्रॉसिंग जब आप इंटरमिंगल होने देते हो, दोनों के वाटर को जब आप अलाउ कर देते हो, कैनाल के वाटर को या ड्रेन के वाटर को कैनाल में अलाउ कर देते हो या कैनाल के वाटर को ड्रेन में अलाउ कर देते हो, तो उस समय लेवल क्रॉसिंग होता है एक, और एक होता है इनलेट आउटलेट स्ट्रक्चर. तो जो मोस्ट अनसुइटेबल स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका इनलेट आउटलेट, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है. तो जब आपका बजट कम होता है तब आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप तभी अप्लाई कर सकते हो उसको जब आपका जो
नेचुरल ड्रेन है वो उसकी डिस्चार्ज जो है बहुत कम हो, ऑल्सो उसमें जो सिल्ट लोड है वो भी आपका कम होना चाहिए, जो सेडिमेंट लोड है वो भी आपका कम होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसमें इरिगेशन का बेसिक रिक्वायर्ड है, बट फिर भी हमने काफ़ी हद तक इसको समझ लिया है क्रॉस ड्रेनेज वर्क को, ओके। सो व्हाट इज क्रॉस ड्रेनेज वर्क? वी हैव सीन इट इज अगर आपको रिवर से कैनाल निकालना है तो ज़रूरी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको, आप क्रॉस ड्रेनेज वर्क को अवॉइड नहीं कर सकते, क्रॉस ड्रेनेज वर्क आपको बनाने ही पड़ेंगे, राइट। ऑल्सो हमने देखा कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है वो किस किस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं आपके क्रॉस ड्रेनेज वर्क, और किसके आप डिफाइन करते हो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स को, आप डिफाइन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव बेड लेवल, वाटर लेवल और कितनी उनकी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है। अच्छा, हमने बेड लेवल और वाटर लेवल पे तो बात की, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी पे बात नहीं की, तो किसी ने पूछा नहीं मुझसे कि क्यों नहीं की हमने बात। यू कैन सी द लेक्चर शिवम बाद में, तब आप समझ सकते हो, ठीक है। यू कैन सी द लेक्चर afterwards एंड देन यू विल गेट द डेटा, आपको समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसमें हमने डिस्चार्ज लेवल की बात नहीं की, तो डिस्चार्ज जो होता है जब आपका बहुत ज़्यादा दोनों में हाई डिस्चार्ज होता है तो आप कोशिश करते हो कि आप एक्वीडक्ट और जो शुरू वाले दो क्लासिफिकेशन देखे वही प्रोवाइड करो, ठीक है। जब आपका बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, लंबे समय तक ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, तब वो शुरू वाले केसेस आप फॉलो करो। जब आपका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है लेकिन कुछ समय के लिए ही होता है, तब आप क्या करोगे, लेवल क्रॉसिंग करोगे। और जब आपका डिस्चार्ज कम होता है और कम समय के लिए होता है तो इनलेट आउटलेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करोगे। तो ये डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है, रिलेटिव बेड लेवल पे डिपेंड करता है और वाटर लेवल पे डिपेंड करता है। ओके ओके शिवम, कर दीजिएगा। सो दिस इज अबाउट द टुडेज क्लास, है ना, ये आपकी आज की क्लास थी। वो जो चार डायग्राम बनाए हैं वही आप याद कर लीजिएगा। वेट, तो दिस वाज व्हाटएवर आई हैव गिवन यू द डायग्राम, दैट इज व्हाट द एंड ऑफ द क्लास, ओके। तो देख लीजिए, एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। शिवम, आप लेक्चर अगर फिर से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने बीच में ज्वाइन किया इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ओके। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, एनी पॉइंट टू बी रिफर्ड वंस अगेन? हाँ, मॉड्यूल्स जो होते हैं ना, वो मॉड्यूल्स भी पढ़ेंगे, वो भी आपके इस आते हैं, आपके इसी में आते हैं, कैनाल वर्क्स हेड रेगुलेटर्स पे आते हैं, है ना। तो वो सारे हम पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ क्रॉस ड्रेनेज वर्क डिस्कस की, इसलिए मैंने मॉड्यूलर आउटलेट और ये सारी चीज़ें नहीं डिस्कस की है। नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, मॉड्यूलर आउटलेट ये सारे होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, क्या उसका फंक्शन होता है, वो पूरा एक टॉपिक है, वो मैं पढ़ा दूंगी, ओके, आई विल डू इट। तो ये जो है ना, इरिगेशन में बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक है जो कि आपके छोटी छोटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप बहुत डेप्थ में पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा इरिगेशन का कोर्स, और आपको इतनी चीज़ें याद भी नहीं रहेगी। तो इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा मैं जितना बताती हूँ उतना आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर, गेट के पेपर, ESC के पेपर, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें माय डियर फिर से अलग अलग टाइप के होते हैं, इसका पूरा फॉर्मूला होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है क्रॉस ड्रेनेज वर्क, बट जितना आपको रिक्वायर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना आज हमने डिस्कस किया है। चलिए ठीक है, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। नहीं, टेलीग्राम में डिस्कशन ग्रुप नहीं है बेटा, सिर्फ आपको अपडेट मिलती है वहाँ पे, ओके। सो इफ यू हैव लाइक दिस सेशन प्लीज लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट। Bye bye. We'll meet in the tomorrow's class. कल आपकी क्लास 6 बजे होगी, जो आपका usual timing है। 6 PM आपकी क्लास होगी और कल आपकी soil mechanics की क्लास होगी। तो कल की क्लास में जितना हमने पढ़ा था उसके आगे का हम next क्लास में कल पढ़ेंगे।